हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक वाईफाई कैमरा जो काफ़ी सस्ती रेंज में आता है और काफ़ी फीचर वाइज देखा जाए अगर तो काफ़ी बेहतरीन है। इसके प्राइस पे आप अगर इसको कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये निकाल के देगा। मतलब कहने का कि अगर आप इसका जो प्राइस है अंडर 1000 ये आपको मिल जाता है, ऑलमोस्ट ऑनलाइन भी आपको मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये जिस प्राइस रेंज में आता है, अगर इस प्राइस रेंज में अगर आप इसके फीचर वाइज इसको कंपेयर करेंगे अदर किसी और वाईफाई से तो काफ़ी बेहतरीन निकल के आएगा। तो कुल मिला के ये फीचर वाइज छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात है, या उन लोगों के लिए ये बेस्ट है जो सीसीटीवी में खर्च नहीं करना चाहते या वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि भाई हम लगवा भी पाएंगे। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो कम, जिनका जो बजट है काफ़ी कम है लेकिन उनको नीड है एक वाईफाई कैमरे की जो उनकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी को पूरा कर पाए, जो उनकी शॉप या घर या कोई बच्चों के ऊपर ही भी अगर वो रखना चाहते हैं कि कुछ एक सर्विलेंस डिवाइस मिल जाए जो काफ़ी कम प्राइस में, चीप प्राइस में हो और काम भी करे, काफ़ी अच्छा काम करे, तो यहाँ पर ये डिवाइस बड़े ही काम का होने वाला है। तो मैं इस वीडियो में आज इसी डिवाइस की बात करूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करना है लाइक। मैं अगर आपको पैकिंग इसकी दिखाऊं तो ये पैकिंग आपको यहाँ पर नज़र आएगी। आपने ये हो सकता है ये कैमरा बहुत बार देखा भी हो, क्योंकि ये कैमरा कोई नया कैमरा नहीं है, काफ़ी पुराना कैमरा है। बहुत टाइम से इसको लोग सब यूज़ कर रहे हैं, मैं भी काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे जो इसकी क्वालिटी है काफ़ी पसंद है। इसके जो प्राइस रेंज है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो हालांकि इसकी क्वालिटी उतनी भी अच्छी नहीं है जितने बाकी और भी कैमरे आते हैं, लेकिन वो कॉस्टली आते हैं। बात यहाँ पर बजट के अंदर में एक ऐसा कैमरा ढूंढने की कर रहे हैं जो हमें क्लैरिटी भी अच्छी दे और उसमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंक्शन भी आपको मिल जाए, तो ये कैमरा 100% उन सभी आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो मैं इसका करूँगा अनबॉक्स, डेमो दिखाऊँगा आपको कि कैसा इसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, डे नाइट डे टाइम की क्लैरिटी कैसे मिल जाएगी, नाइट टाइम की क्लैरिटी कैसे मिल जाएगी, और इसमें क्या क्या मिनिमम जो फंक्शन है वो बेसिक फंक्शन एक्चुअली होते हैं जो सभी कैमरों में होते हैं, लेकिन उन फंक्शंस के बिना वो कैमरा पूरा भी नहीं होता। तो वो अनबॉक्स करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमें बॉक्स में क्या क्या कंटेंट मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मिल जाता है एक वाईफाई कैमरा जो आप देख सकते हैं, इसका डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी अच्छी डिज़ाइन है इसकी। तो इसको रखते हैं भी साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या कंटेंट मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें बॉक्स कंटेंट की तो यहाँ पर हमें मिल जाता है एक अडेप्टर जो 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर का यहाँ पर है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ठीक है, इसे भी रखते हैं भी साइड में। उसके बाद में यहाँ पर एक हमें मिल जाता है सेटअप गाइड, इसको भी रखते हैं भी साइड में। उसके बाद में यहाँ पर हमें मिल जाता है इसकी जो केबल है जिसके थ्रू ये कनेक्ट होकर चलेगा, तो वो केबल हमें मिल जाती है। केबल की लेंथ की अगर बात करें तो इसकी लेंथ कुछ 1 मीटर की आपको मिल जाएगी, यहाँ पर 1 मीटर की लेंथ वाली केबल आपको मिल रही है जो पावर इनपुट का काम करेगी। उसके बाद में यहाँ पर स्क्रूज़ मिल रहे हैं और यहाँ पर मिल जाती है एक आपको जो सीलिंग माउंट है वो मिल जाता है। तो ये सारे बॉक्स कंटेंट आपके सामने यहाँ पर हैं। तो अभी बात करते हैं कैमरे की कि कैमरे में हमें क्या पोर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें कैमरे का लेंस मिल जाता है, ऊपर हमें नाइट विज़न के लिए IR कट मिल जाता है, यहाँ पर हमें स्पीकर ग्रिल मिल रही है और साइड में उसकी दूसरी साइड में यहाँ पर हमें मेमोरी कार्ड इंसर्ट करने का एक स्लॉट मिल रहा है। इसमें मेमोरी कार्ड भी आप 64 GB तक का ईजिली लगा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक रीसेट बटन आपको मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको ये जो वायर मिली है साथ में, ये वायर यहाँ पर लगाने के काम आएगी, यहाँ पर आप वायर को लगा करके इसको पावर इनपुट दे सकते हैं इस तरीके से। और इसके बाद में यहाँ पर सीलिंग माउंट करने के लिए एक आपको जो माउंटिंग क्लिप को अटैच करने का अटैचमेंट दिया हुआ है, इस तरीके से आप इसको अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पर रीसेट बटन दिया है, रीसेट बटन काम आता है रीसेट करने के लिए कैमरे को। तो ये सारे पोर्ट्स एंड बटन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर भी कुछ ग्रिल्स दी गई हैं, तो शायद ये स्पीकर ग्रिल तो है नहीं क्योंकि स्पीकर ग्रिल तो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो चलिए कोई नहीं, इसको कर लेते हैं ऑन और देखते हैं किस तरीके से ये ऑन हो जाता है। तो अभी हम कैमरे को कनेक्ट कर लेते हैं। कैमरा कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे पावर बैंक। यहाँ पर हमें पावर बैंक में एक पोर्ट जो है केबल का लगाना पड़ेगा और दूसरा पोर्ट हमें लगाना पड़ेगा कैमरे में। तो चलिए इसको कर लेते हैं ऑन। यहाँ पर हमने लगा दिया पोर्ट और देख लेते हैं कि अभी क्या ये कैमरा मूवमेंट करता है, और जैसे कि बाकी कैमरे से मूवमेंट करते हैं तो ये भी करता है या नहीं, वो सब हम देख लेते हैं एक बार। सिस्टम इज स्टार्टिंग।
तो यहाँ पर हमें इस कैमरे में से एक साउंड आ गया है जो सिस्टम इज स्टार्टिंग का आता है, तो वो आ चुका है। उसके बाद कैमरा यहाँ पे अभी मूव करेगा, तो ये कैमरा मूव करने लगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये डेमो अपना शो करता है। तो ये इसकी मूवमेंट रहेगा इस तरीके से, राइट लेफ्ट अप डाउन। तो यहाँ पर सिस्टम, तो यहाँ पर एक्सेस पॉइंट जो है इसका प्रिपेयरिंग हो रहा था, अब ये रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर एक्सेस पॉइंट रेडी होने के बाद में आपको क्या करना है, अभी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से इसको कनेक्ट किया जाता है फ़ोन में। तो आप वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिए तो आप बहुत अच्छे से ईजिली समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इस ऐप का नाम मिल जाएगा V380 Pro। तो यहाँ पर आप प्ले स्टोर में जाके V380 Pro को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, तो मैंने उसको ओपन कर लेना है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ डिक्लेरेशन आ गया है, तो आप इसको एग्री कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये सब स्किप कर सकते हैं आप। तो स्किप करने के बाद आप यहाँ पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा प्लस का साइन जो आप टैप करेंगे, और उसके बाद में आपको इस तरीके से कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आप जा सकते हैं ऐड डिवाइस आईडी पे, और ऐड डिवाइस आईडी पे जाने के बाद में आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिवाइस की आईडी का ऑप्शन यहाँ पर मिल गया। तो डिवाइस की आईडी की देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ पर जो भी डिवाइस की आईडी हो वो आप डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डिवाइस की आईडी इसमें इनपुट कर दी है, और उसके बाद में हम यहाँ पर कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पर हम कुछ भी नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, तो मैं अपना नाम यहाँ पर कुछ भी डाल देता हूँ। और फिनिश करने के बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक डिवाइस ऐड हो गया है, लेकिन अभी ये वर्क नहीं कर रहा। वर्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने वाईफाई को ऑन करना पड़ेगा, और ऑन करने के बाद में आपको यहाँ पर आपके वाईफाई पे एक नाम शो होगा जो MV से स्टार्ट होता है, और बाद में इसकी जो है आईडी नंबर होता है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद में ये कैमरा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, बट नो इंटरनेट शो करेगा। तो कनेक्टेड होने के बाद में आपको जाना है वापस ऐप पर। तो इस तरीके से आप ऐप पर जाएंगे तो यहाँ पर रिफ़्रेश एक बार आपको करना होगा, इस तरीके से ये रिफ़्रेश हो जाता है। रिफ़्रेश करने के बाद में आपको एक बार ट्राई कर लेना है कि MV पे ही कनेक्ट है आपका जो वाईफाई है, कैमरे का MV पे कनेक्ट रहना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर रिफ़्रेश करने के बाद में कैमरे को प्ले करने का साइन जो है आपको मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर इसको प्ले कर सकते हैं। और आपने यहाँ पर इसका जो पासवर्ड बनाया होगा उसको आप डाल सकते हैं। तो आप चाहें तो अगर पासवर्ड आपको याद नहीं तो आप यहाँ पर जाके इसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो एक बार इसको रीसेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कैमरा फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर हो चुका है, और थोड़ी देर में ये एक्सेस पॉइंट रेडी भी ही एक साउंड जो है वो बोलेगा। तो उसके बाद में आपको ये प्रोसेस थोड़ा दोबारा से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने इसको रीसेट कर दिया है। तो दोबारा ज़्यादा नहीं कुछ करना, बस आपको वाईफाई पे टैप करके रखना है, और जैसे ही कैमरे का MV जो एक नाम है कैमरे की आईडी वाला वो आपको शो हो जाएगा, तो उसको कनेक्ट कर लेना है। इसको एक बार रिफ़्रेश करके रखना है आपको। अभी ये कनेक्टेड जो शो कर रहा है वो लास्ट टाइम वाला ही शो कर रहा है, तो अभी आपको रिफ़्रेश करके दोबारा से नाम शो होगा, उसको फिर से आपने कनेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपने वाईफाई को अपने MV से कनेक्ट कर लिया होगा, तो उसके बाद में आपको इस तरीके से आपके पेज पर ये प्ले का साइन मिलेगा। आप यहाँ पर जाके प्ले इसको करेंगे तो ये वार्निंग एक शो करेगा जिसमें आपको बताएगा कि आपको पासवर्ड रीसेट करना है या सेट करना है। तो आप पासवर्ड सेट पर जाएंगे और यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करना होगा, ऊपर यूज़र नेम में एडमिन है, एडमिन ही रखना पड़ेगा। नीचे आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा, दो बार आपको सेम पासवर्ड डालना पड़ेगा और ये पासवर्ड आपका रेडी हो जाएगा। तो मैं एक पासवर्ड बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर लिया है, पासवर्ड सेम होना चाहिए और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद में आपको कंफर्म करना पड़ेगा और ये आपका कैमरा यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से कैमरा आपका यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, आप देख पा रहे हैं। बाद में अगर बात करेंगे कि वाईफाई पे इसको कनेक्ट करने की, तो इस तरीके से आप कैमरा आपको चलता हुआ मिल जाएगा। तो उसके बाद में आपको जाना है 3 डॉट पे, यहाँ पर सेटिंग पे जा सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद में सारी सेटिंग वाली ऑप्शन जो है खुल जाते हैं। सबसे पहले ऊपर आ जाता है क्लाउड, क्लाउड का आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन ऑन करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके लिए इसको पहले आपको वाईफाई पे डालना पड़ेगा, उसके बाद आप ये ऑप्शन ले पाएंगे। और यहाँ पर 3 डॉट पे वापस से जाते हैं तो दिखाते हैं कि क्या क्या ऑप्शन आपको इसमें मिल रहा है। उससे पहले हम चेक करेंगे कि वाईफाई पे हमारा कैमरा शो हो रहा है कि नहीं, ये एक बार इसको कनेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो ठीक है, कैमरा कनेक्ट है। इसके बाद में कैमरे को प्ले करते हैं और यहाँ पर ये प्ले होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में हम इसको 3 डॉट सेटिंग पर जा सकते हैं, और सेटिंग पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको क्लाउड का ऑप्शन मिल जाता है, उसके बाद में आपको जनरल का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप इसकी जो है इसका निकनेम रख सकते हैं।
और उसके बाद में यहाँ पर नेटवर्क का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें ये सबसे खास जो सेटिंग है वो यही है कि नेटवर्क का ऑप्शन जाने के बाद में आप यहाँ पर नेटवर्क जो है वो अभी हॉटस्पॉट पे चलता है, इसलिए आपको सीरियल नंबर शो हो रहा है। उसके बाद में आप यहाँ पर जाएंगे तो वाईफाई स्टेशन मोड का एक ऑप्शन आता है, ये बहुत ही स्पेशल ऑप्शन है, यानी कि बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है, ये आपको ध्यान में रखना। वाईफाई स्टेशन मोड पर अगर आप जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि आपके घर पे कोई या जहाँ पे कैमरे लगा रहे हैं वहाँ पर कौन कौन से वाईफाई आपने लगा रखे हैं या शो हो रहे हैं, तो आप उनमें से अपना एक वाईफाई चूज़ कर सकते हैं और उसका पासवर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट डाल सकते हैं। पासवर्ड करेक्ट डालने के बाद में आप उसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद में अगर आपका पासवर्ड बिल्कुल ठीक होगा, और याद रहे कि ये 2.4 GHz पे ही चलेगा, 5 GHz वाले राउटर पे ये काम नहीं करता है, उसके बाद में ये कनेक्ट होने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, इसमें एक साउंड सुनाई देगी वाईफाई कनेक्टिंग, उसके बाद में साउंड सुनाई देगी वाईफाई कनेक्टेड। तो वाईफाई कनेक्टेड होने के बाद में आप इसको ऑनलाइन कहीं से भी देख सकते हैं, तो ये ऑप्शन इसमें आपको वाईफाई का मिल जाता है, किस तरीके से वाईफाई को कनेक्ट किया जाता है। तो बात करते हैं कि कैमरे में क्वालिटी वगैरह कैसी रहेगी, क्या कुछ फंक्शन मिलते हैं, तो सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं, क्वालिटी भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर जो बेसिक फंक्शन है वो आपको मिल जाते हैं, जैसे कि स्नैपशॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पर स्नैपशॉट भी ले सकते हैं कि कैमरे के सामने कोई भी पर्सन होगा वो स्नैपशॉट यानी कि पिक्चर क्लिक हो जाएगी। यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपका जो कैमरे का जो स्पेस है उसमें आपका रिकॉर्ड होगा, बट याद रहे ये जो रिकॉर्ड है उसी टाइम तक चलता है जब तक कैमरे की डिस्प्ले यहाँ पर शो हो रही है आपको, आप जैसे बंद कर दोगे रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिल जाता है स्पीकर का ऑप्शन, अगर यहाँ पर आप स्पीकर को होल्ड करके रखेंगे तो आप कैमरे में कुछ भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। अगर मैं बोलना चाहूँ तो हेलो 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 हेलो, आप देख सकते हैं जो साउंड है वो कैमरे में से आ रही है। तो ये होल्ड टू टॉक होता है एक्चुअली, कि होल्ड करके रखोगे तभी तक इसमें आवाज़ आएगी, डुअल वे कम्युनिकेशन इसमें आपको नहीं मिलता है, सिंगल वे ही आपको इसमें मिलेगा, यानी कि आपको होल्ड करना पड़ेगा बोलने के लिए और सुनने के लिए छोड़ना पड़ेगा तब आप सुन पाओगे। स्पीकर के कैमरे के पास कोई बोल रहा होगा तो आप सुन भी सकते हो, ये दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं, बट वन टाइम एक ही बार में डुअल वे टॉक नहीं हो पाएगा, वन बाय वन आप कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर रीप्ले का ऑप्शन आया था, रीप्ले का अगर आप इसमें मेमोरी कार्ड डालते हैं तो रीप्ले का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लाउड और मेमोरी कार्ड दोनों का ही ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप क्लाउड में भी जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और मेमोरी कार्ड की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगी, मेमोरी कार्ड डालेंगे तो आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगर मोर पे जाएंगे तो आपको ये भी फंक्शन मिल जाते हैं, जिसमें इन्वर्शन का ऑप्शन आता है, इन्वर्शन 180 डिग्री को टर्न कर सकते हैं। कैमरा अगर आप सीलिंग पे लगा रहे हैं तो इन्वर्शन का यूज़ आपको करना पड़ेगा 180 डिग्री कैमरे को टर्न करने के लिए। इसके बाद में प्रीसेट PTZ भी, आप सिक्स लोकेशन का आपको प्रीसेट PTZ मिल जाता है, और इसके बाद में यहाँ पर आपको मोशन ट्रैक भी मिल जाता है, हालांकि मोशन ट्रैक इसका बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, बट एक ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद में आपको ये नेविगेशन के बटन भी यहाँ पर मिल जाते हैं, अगर मैं इसको रोटेट करना चाहूँगा तो ये कैमरा नेविगेट यहाँ पर आपको कर सकता है, रोटेट होता हुआ दिख रहा होगा, अप डाउन राइट लेफ़्ट में अगर इसको करना चाहूँगा तो ईजिली हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपको इसमें मिल जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर, और उसके बाद अगर मैं ऑप्शन की ही बात करूँ तो यहाँ पर आप इसकी जो विंडो है उसको 1/4 कर सकते हैं, यानी कि आप चार कैमरे एक साथ लगा करके भी यहाँ पर चारों कैमरों को एक साथ देख सकते हैं, ये इसमें ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद में SD और HD का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, आप इस डिस्प्ले को ज़्यादा क्लियर भी ले सकते हैं, अभी भी काफ़ी अच्छी क्लियरिटी आपको इसमें मिल रही है। और यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हो, आप कैमरे को चलता हुआ रोक सकते हो, यानी कि प्राइवेसी वाला ऑप्शन जो आता है आपको बाकी CP+ वाले कैमरों में वो इसमें भी मिल रहा है आपको, यहाँ पर ये प्राइवेसी का मोड मिल जाता है। इसके बाद में ये स्पीकर ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, ये HD मैंने बता दिया, ये फोर स्क्रीन करने के लिए, 1/4 स्क्रीन करने के लिए, और ये राइट लेफ़्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आप सपोज़ चार कैमरे चला रहे हैं तो आप यहाँ पर राइट लेफ़्ट करके कैमरे को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है। और ये स्क्रीन को बड़ी करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इस तरीके से स्क्रीन बड़ी हो सकती है, और क्लैरिटी आप देख ही रहे हैं बहुत ही शानदार क्लैरिटी इसमें आपको मिल रही है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्क्रीन बड़ी करने के बाद भी आपको यहाँ पर पैन टिल्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आप करना चाहेंगे तो ये कैमरा इजीली पैन टिल्ट होता हुआ आपको दिख जाएगा। सबसे पहले ऊपर आ जाता है क्लाउड, क्लाउड का आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन ऑन करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उसके लिए इसको पहले आपको वाईफाई पे डालना पड़ेगा, उसके बाद आप ये ऑप्शन ले पाएंगे। सब ओके यहाँ पर, तो मैं बात कर रहा था ऑप्शन की,
तो यहाँ पर थ्री डॉट पे ही अगर हम जाएंगे तो हमें ऑप्शन यहाँ पर और भी मिल जाएंगे। सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहे हैं जिसमें आपको मैंने नेटवर्क वाला ऑप्शन बता दिया। उसके बाद में पासवर्ड वाला ऑप्शन भी मिल जाता है जिसमें आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अपना जो भी पासवर्ड रखना चाहें। उसके बाद में डिवाइस टाइम यहाँ पर मिल जाएगा, आपको टाइम जोन सेलेक्ट करके जो भी आपका टाइम जोन है वो सेलेक्ट करके आप इसको सेट कर सकते हो। यहाँ पर कैलिब्रेशन मैनुअल भी कर सकते हैं, आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा। उसके बाद में फर्मवेयर वर्जन भी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप कैमरा डिटेक्ट कर लेगा, अगर नया कोई फर्मवेयर वर्जन मिल जाएगा तो उसको अपडेट कर सकता है। यहाँ पर अलार्म सेटिंग मिल जाती है, अलार्म सेटिंग में आप अलार्म ऑन करके यहाँ पर अपना अलार्म सेट कर सकते हैं जिसमें अलार्म पीरियड आपको यहाँ पर सेट करना होगा, अलार्म एरिया सेट करना होगा और अलार्म साउंड यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से ये आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं। और भी कुछ ऑप्शन है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पर आपको रिकॉर्ड सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, उसमें आपको यहाँ पर माइक्रो जो माइक्रो एसडी कार्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद में कैमरा यहाँ पर आपका जो है रिकॉर्डिंग शो कर देगा, रिकॉर्डिंग शो कर सकता है। और यहाँ पर आप नीचे मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो तो फॉर्मेट एसडी कार्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग एचडी में रखनी होगी, रिकॉर्ड ऑडियो यस करना होगा और यहाँ पर कॉन्टीन्यूस रिकॉर्डिंग ऑन करनी होगी ताकि ये कॉन्टीन्यूस रिकॉर्ड कर सके। इवेंट रिकॉर्ड भी आप ऑन कर सकते हो। और यहाँ पर एडवांस सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर ये एडवांस सेटिंग में आपको लैंग्वेज इंग्लिश या जो भी आपकी लैंग्वेज है चाइनीज़ वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो। डिवाइस वॉइस प्रॉम्प्ट ये भी आप ऑप्शन ऑन या ऑफ कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि जब कैमरा ऑन होगा तो आपको इसमें कोई साउंड सुनाई नहीं देगी, और अगर आप इसको ऑन रखते हैं तो साउंड सुनाई देगी। ये भी एक स्पेशल इसका फंक्शन है जिससे आप इसको पूरी तरीके से साइलेंट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपको बता दिए कि क्या क्या ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और अभी इसकी मैं कुछ फुटेज सैंपल डाल दूँगा, वो आप देख सकते हैं कि कैमरा कितना क्लियर है और कितना बेहतर है आपके यूज़ के लिए। तो अगर आपको इस कैमरे का यूज़ है या आपको ज़रूरत है इस कैमरे की, ऐसा कैमरा आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जा सकते हैं और कैमरे को परचेज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैमरा कितना क्लियर आपको चल रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी वीडियो और लेके आता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।